Hare Krishna everyone, I am Riya Shah from West Bengal. I have joined the Bhagavad Gita course of ISKCON Ayodhya and it's totally free of cost and it's very very helpful for us. We have just completed two classes of the two chapters of the Bhagavad Gita. बट अक्सर ये होता है कि हमको भगवद गीता पता होता है, मतलब पता होता है इन द सेंस कि हम लोग कहीं से सुन लेते हैं भगवद गीता, कहीं तो पढ़ लेते हैं या फिर कुछ चैप्टर्स तो पढ़ ही लेते हैं. अगर पूरा नहीं भी पढ़ पाए तो कुछ चैप्टर्स पढ़ ही लेते हैं. पर अक्सर क्या होता है कि हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते भगवद गीता को, कैसे अपने लाइफ में डालना है. उसके जो श्लोकाज है जो कृष्णा द्वारा हम लोगों को कहे गए हैं उसको कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. ये हम लोग समझ नहीं पाते. और अभी तो काफ़ी मॉडर्न साइंस का एक अफवाह फैला हुआ है कि ये भगवद गीता कुछ नहीं होता, ये भगवान ने नहीं कहा है ऐसा करके कुछ. पर ऐसा नहीं है. भगवद गीता इज़ इट्सेल्फ कृष्णा एंड वी नो दैट वेरी वेल. वी शुड नो. इफ़ यू डोंट नो वी शुड नो इट. तो इस क्लास में अभी तक दो ही क्लास हुए हैं, बट इस क्लास में हमने सीखा है कि भगवद गीता को कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए. तो फर्स्ट चैप्टर में तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि कैसे क्यों तुमको युद्ध करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे उसके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं. अक्सर ये हमारे साथ भी होता है कि हम अपने जीवन में बहुत उलझे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं. हम लोग को सोचते हैं बहुत कुछ कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, करे कि नहीं करे, सही होगा गलत होगा, अगर करे तो क्या होगा, नहीं करे तो क्या होगा. तो इस दुविधा से भगवान ने अर्जुन को जैसे निकाला था, उन्होंने उसी संदेश के माध्यम से हम सबको उस कन्फ्यूजन से निकालने का वो जो मौका है, वो उपदेश जो है वो देकर गए हैं. बस हमें उसे जानना है, पहचानना है. तो ये हमने अध्याय 1 में सीखा. और अध्याय 2 के अंदर हम लोगों ने सीखा कि निष्काम योगा कैसे करना होता है, कैसे हम हर एक चीज़ भगवान को डेडिकेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं मेरी बात करती हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC फ्रॉम लास्ट वन ईयर एंड आई हैवन्ट गिव माई फर्स्ट अटेम्प्ट येट. तो अभी मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं UPSC, अगर भगवान की कृपा से मेरा UPSC निकल जाता है तो मैं हमेशा उस ग्रैटिट्यूड में जीऊँगी कि भगवान ने चाहा था, भगवान ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा था, इसीलिए वो निकला है, नहीं ना वो नहीं निकलता. तो इस तरीके से हम लोग ऑलवेज अपने मैटेरियल लाइफ को भी स्पिरिचुअल बना सकते हैं. हरे कृष्णा.